सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई का नया प्लान मंजूर। 1 जुलाई से होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने के बाद आज सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। बोर्ड ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं के जिन छात्रों ने परीक्षा पूरी कर ली है उनका सामान्य रूप से रिजल्ट आएगा, जबकि जिन छात्रों ने 3 से ज्यादा पेपर दिए हैं बचे हुए पेपर के लिए उनका रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के औसत नंबर के हिसाब से दे दिया जाएगा। वहीं जिन छात्रों ने बोर्ड के 3 पेपर दिए हैं उन्हें बची हुई परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ 2 विषयों के औसत अंक मिलेंगे। इसके अलावा जिन छात्रों ने 1 या 2 पेपर खत्म किए उनके नंबर बोर्ड की परफॉर्मेंस और इंटरनल प्रैक्टिकल असेसमेंट के आधार पर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की सीबीएसई की स्कीम को मंजूरी दे दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि रिजल्ट घोषित करने के 2 सप्ताह के अंदर छात्रों को परीक्षा देने का विकल्प दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह भ्रम पैदा करेगा। इस बार सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि हम छात्रों के लिए विकल्प दे रहे हैं, जब स्थिति अनुकूल होगी तो परीक्षा होगी, यह छात्रों के समर्थन वाली योजना है। तमाम दलील देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की योजना को मंजूरी दे दी, यानी कोर्ट ने भी 1 जुलाई से निर्धारित शेष विषयों के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने के सीबीएसई के फैसले को मंजूरी दे दी है।